हेलो स्टूडेंट, हम आज जो स्टार्ट करने वाले चैप्टर उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। सबसे पहले इसका मतलब समझ लें हम। What is meant by central tendency? Central tendency का मतलब क्या होता है? Central tendency का मतलब होता है किसी भी data का average characteristics, किसी भी data का average characteristics, उसे बोलते हैं हम central tendency। And what is called dispersion? Dispersion मतलब किसी भी data में जो variation होता है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल में जो वेरिएशन होता है, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन। उसको क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं अपन डिस्पर्जन। तो सबसे पहले तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसके मेन कौन कौन से मेजर्स है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के? फर्स्ट इज मीन, सेकंड इज मीडियन एंड थर्ड इज मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ ले, व्हाट इज कॉल्ड मीन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मोड। मैथमेटिकल एवरेज ऑफ डेटा, मीन का ये मतलब होता है। देन देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मीन, उसका डिस्कशन हम आगे करते हैं। मीडियन जो होता है वो होता है पोजिशनल एवरेज। तो पोजीशन वाइज जो भी ऑब्जर्वेशन जब हम डेटा को अरेंज करते हैं इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो बीच में आता है पोजीशन वाइज, पोजिशनल मिडल वैल्यू, मिडल ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज नोन एज मीडियन। उसे बोलते हैं मीडियन। पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज। एंड लास्ट वन इज मोड। तो मोड का मतलब होता है मोस्ट कॉमन, जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट होता हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। तो मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। तीनों बातें अच्छे से समझ ले अपन। मीन क्या होता है? मैथमेटिकल एवरेज ऑफ डेटा। मीडियन क्या होता है? पोजीशन वाइज बीच में क्या है, दैट इज नोन एज मीडियन। और मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे मोड बोलते हैं। अभी सबसे पहले अपन मीन की बात करें तो मीन में भी देयर आर थ्री काइंड ऑफ मीन्स। फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। सेकेंड इज ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड इज हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज ऑफ एनीथिंग, देन वी कैन यूज अरिथमेटिक मीन। तो सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। अभी अरिथमेटिक मीन भी दो तरीके के होते हैं, एक वेटेड होता है एंड एक जो होता है अनवेटेड होता है। वेटेड मतलब जब अलग अलग ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस अलग अलग दिया हो तब वेटेड मीन ढूंढना है, अगर इंपॉर्टेंस सेम हो तो। ज्योमेट्रिक मीन जो है दिस इज सिंपल एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन कब ढूंढना होता है? खास करके फॉर रेशियो, टू फाइंड आउट एवरेज रेशियो, रेट्स एंड परसेंटेज, इन तीनों के लिए। टू फाइंड आउट एवरेज रेशियो, रेट्स एंड परसेंटेज, ये चीज ढूंढने के लिए वी कैन यूज ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन कब यूज करते हैं? हार्मोनिक मीन इज यूज टू फाइंड आउट
एवरेज रेट्स एंड सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड, क्योंकि रेट्स ढूंढने हो तो ज्योमेट्रिक मीन भी यूज किया जाता है, बट एवरेज स्पीड जब ढूंढनी है हमें, देन वी हैव टू कंपल्सरी यूज द हार्मोनिक मीन. द कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक मीन इज यूज्ड. अच्छा, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? इट्स फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. फॉर सिंपल डेटा, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. अगर ग्रुप डेटा है तो एक्स बार की फॉर्मूला होगी सिग्मा एफ आई एक्स आई, वेर एफ आई इज फ्रीक्वेंसी अपॉन एन. एफ आई एक्स आई अपॉन एन. फिर ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू, सपोज देर आर एन ऑब्जर्वेशंस. अगर एन ऑब्जर्वेशंस है तो यहां पे फॉर्मूला होगा nth रूट ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू अप टू एक्स एन. एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, दिस वुड बी इट्स फॉर्मूला किसके लिए? ज्योमेट्रिक मीन के लिए. और हार्मोनिक मीन की जो फॉर्मूला होती है, हार्मोनिक मीन एच एम इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन एक्स आई, वेर डब्ल्यू आई इज आर डिफरेंसेस एंड एक्स आई आर स्पीड. तो ये एवरेज स्पीड के लिए जरूरी होता है. दिस इज टू फाइंड आउट एवरेज रेशियो, रेट्स एंड परसेंटेज, एंड दिस इज टू फाइंड आउट सिंपल एवरेज. तो ज्यादातर कोई भी कॉमनली हम अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स ढूंढने हैं तो वी कैन फाइंड आउट इट यूजिंग अरिथमेटिक मीन. बट पूरे क्लास के जो परसेंटेज मार्क्स है उसके भी एवरेज ढूंढनी है, परसेंटेज का एवरेज, तो वी कैन यूज ज्योमेट्रिक मीन. अच्छा, एक आदमी यहां से गांधीनगर जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. सपोज गांधीनगर इज 30 किलोमीटर आवर, 30 किलोमीटर अवे, तो यहाँ का डिस्टेंस हुआ 30 किलोमीटर. और अगर हमें ढूंढनी है एवरेज स्पीड तो कैसे ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस हार्मोनिक मीन्स फॉर्मूला? हम ढूंढ सकते हैं एवरेज स्पीड. नाउ अगर हम बात करें मीडियन की, मीडियन के बारे में बात करें तो मीडियन की जो फॉर्मूला होती है, मीडियन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए पहले लिखे तो मीडियन की एक फॉर्मूला होती है एन प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला. बट कब? आफ्टर आफ्टर अरेंजिंग द डेटा, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा. डेटा को अरेंज करने के बाद ही हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. फिर एक ग्रुप डेटा के लिए, सपोज ग्रुप डेटा इज गिवन बट इट इज डिस्क्रीट, तो फॉर डिस्क्रीट वन एम की फॉर्मूला होती है कैपिटल एन प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन फॉर डिस्क्रीट. एंड फॉर कंटिन्यूअस एम की फॉर्मूला होती है एल प्लस एन बाय टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू सी. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एम. एम इज इक्वल टू, ये किसके लिए? कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा. एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू सी. यहाँ पे कैपिटल एफ होता है, होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास. स्मॉल एफ होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. सी होता है वो होता है क्लास लेंथ. दैट्स आर दिस आर दी फॉर्मूलास जिससे हम ढूंढ सकते हैं मीडियन. और वहां पे जो फॉर्मूला है वो है अरिथमेटिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन की, हार्मोनिक मीन की. एक और बात की जाए अगर कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन रहता है, तो नॉर्मली अरिथमेटिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन. उल्टा,
arithmetic mean is greater than geometric mean is greater than harmonic mean, if the observations are different, if the observations are same, only in that case arithmetic mean is equal to geometric mean is equal to harmonic mean. कब? जब हर एक ऑब्जर्वेशन सेम हो तब ये पॉसिबल है, वरना इन मोस्ट कॉमन केसेस दिस अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन. ये हमें बात याद रखनी है. अच्छा, इन तीनों के बारे में बात करें, मीन, मीडियन, मोड, तो तीनों में से सबसे रिलायबल कौन सा, पहले ये बात करें. सबसे रिलायबल जो है वो होता है मीन. क्यों? क्योंकि मीन में अगर हम ढूंढते हैं मीन, तो यहां पे देखें एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. यहां पे देखें एक्स वन, एक्स टू अप टू एक्स एन, मतलब मीन ढूंढने के लिए हरेक ऑब्जर्वेशन को ध्यान में लिया जाता है, जबकि मीडियन ढूंढने के लिए खाली बीच में कोई ऑब्जर्वेशन कौन सा आता है वही देखा जाता है, और कोई ऑब्जर्वेशन पे एम्फेसाइज नहीं किया जाता. तो अगर प्रिसाइजनेस की बात हुई तो मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. पर जब भी हमें कोई पोजिशनल वैल्यू ढूंढनी है, हमें यह ढूंढना है कि 50% पे कौन सा है ऑब्जर्वेशन, तब हम क्या ढूंढेंगे? मीडियन, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द पोजिशनल एवरेज. अगर हमें यह ढूंढना है, अगर हमें कोई क्वालिटेटिव चीज ढूंढनी है, क्वालिटेटिव चीज, फॉर एग्जाम्पल के एक सिटी है उसमें किसी जूते बनाने की कंपनी को प्रोडक्शन करना है जूतों का, तो वो कौन सी साइज के जूते बनाएंगी, तो इसके लिए अरिथमेटिक मीन नहीं ढूंढना पड़ता. अरिथमेटिक मीन मतलब कई लोगों की साइज है, शू साइज 7, कई लोगों की 6, कई लोगों की 8, कई लोगों की 9. तो अगर अरिथमेटिक मीन ढूंढेंगे तो हो सकता है वो आए 7.59, और ये शूज जो है ना वो इन किसी को नहीं होंगे. उन केसेस में उस एरिया में जो शू साइज ज्यादा हो वो उसका प्रोडक्शन ज्यादा करने का, मतलब उस वक्त मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा आर यूज. मतलब ऐसे फाइनलाइज नहीं होता कि कौन सा सबसे बेहतर, बट जनरलाइज्ड हो सकता है. इन जनरल मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसा हम बोल सकते हैं. व्हाई? क्योंकि इन टू फाइंड आउट मीन we have to observe each and every observation of data. हर एक observation को consider किया जाता है. Median में तो खाली बीच वाला, जो बीच में आता है उसको ही observe किया जाता है. Mode की अगर बात करें तो mode में भी दो formulas है. Mode के बारे में बात करें अपन तो mode जो होता है individual data होता है, फिर discrete and continuous के बारे में. individual data होता है इंडिविजुअल डेटा में मोड इज इक्वल टू, मोड को एम डी से भी डिनोट किया जाता है या जेड से भी डिनोट किया जाता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल अगर एक डेटा में आपको बोलू 2, 3, 1, 2, 5, 2, तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आता है? दो आता है, तो मोड इज टू. विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग जो ज्यादा आता है वो मोड. दूसरा एक एग्जांपल आपको दिखाओ, सपोज 2, 3, 2, 3, 1, तो इसमें दो भी दो बार आता है और तीन भी दो बार आता है, तो जेड इज इक्वल टू 2 और 3. तो एक बात याद रखना कि अगर एमसीक्यू में ऐसे पूछे विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी मोर देन वन, एक से ज्यादा कौन हो सकता है, तो मोड हो सकते हैं. तो द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनी मॉडल और बाय मॉडल, हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन में. मीडियन या मीन के बारे में ऐसे नहीं कहा जा सकता. डिस्क्रीट में जो है उसका फॉर्मूला, फॉर डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, अपना मोड जो होता है जेड इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसे बोलते हैं मोड. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के तौर पे ले ले एक्स आई एंड एफ आई. सपोज एक्स आई आर गिवन 5, 7, 9 एंड 11
and FIs are given 17, 21, 20 and 19. तो इसमें highest frequency कौन सी है? Highest frequency is 21. तो associate observation is known as mode. Z is equal to 7 directly. Observations having highest maximum frequency. Similarly, Z is equal to continuous के बारे में अगर बात करें, तो Z की formula जो होती है, वो होती है L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into C. For example, अगर different classes are given with associated frequencies, 0 to 10, suppose 10 to 20, 20 to 30, 20 to 30, this kind of classes are given and with associated frequencies, suppose 20, 25 and 15, these are the frequencies. So, how to find out mode? यहाँ पे maximum frequency कौन सी? Maximum frequency is 25. So, associated class is known as model class. 10 to 20 is known as model class. इसे बोलते हैं model class, जिसमें mode होता है. The class which consists mode is known as model class. उसकी lower limit को बोलते हैं L यहाँ पे. तो L is 10. L is equal to 10. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 L की जगह पे. F1 मतलब frequency of model class is denoted as F1. Frequency of preceding class is denoted as F0 and frequency of next class is considered as F2. Let me substitute all the values. So we have 25 minus 20 upon 15 upon यहाँ पे 2 into 25 minus 20 minus 15 into what is C? C is the class length. It is of 10. So 10 plus 5 upon 15 into 10. This is 50 minus 20 is 30 minus 15 is 15 into 10. And that is 10 plus 50 by 15. 10 plus 3.33 approximately. So that is 13.33. The mode of this class is 13.33 approximately. That's how we can find out mode. तो अगर हम if we want to find out all these values for median, आगे हमने median की formulas देखी, but अभी examples देखते हैं median find out करने के. Median, अगर एक individual data है, for individual data, suppose 2, 3, 1, 0, 5, 6, number, जानबूझ के number of ऑब्जर्वेशन को इवन रखा है, तो आपको पता चले कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द डेटा इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 0, 1, 2, 3, 5 एंड 6. नाउ m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन. यहां पे n इज 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्मॉल n. 6 plus 1 by 2th observation and that is 3.5th observation. 3.5th observation matlab 3rd and 4th observation divided by 2, matlab 2 plus 3 by 2, that is 2.5. so median is 2.5 here. suppose if we want to find out median for discrete distribution xi and fi, discrete distribution, suppose it is given 0, 1, 2, 3 and with associated frequencies 5, 7, 9 and 3. देखो, जब भी discrete, ये discrete है, discrete distribution में median find out करना हो, तो CFI का column बनाना पड़ता है, cumulative frequency का, 5 as it is लिखेंगे, 5 plus 7 होगा 12, 12 plus 9 होगा 21, 21 plus 3 होगा 24. Then median का वैसे formula in discrete distribution n plus 1 by 2th observation, that is n is total sum of frequency, 24 plus 1 by 2th observation and that is 12.5.
12.5 कहाँ पे आता है? यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में आता है। जिससे ज्यादा आता है वो क्लास नहीं लेने का, जिससे कम आता है वो क्लास के सामने वाली ऑब्जर्वेशन, दैट इज टू। 12.5 है, 12 से ज्यादा है तो ये क्लास नहीं लेने का, उसका 21 से कम है तो 21 के सामने जो भी एक्स आई की वैल्यू है वो अपना होगा मीडियन। नाउ सपोज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मीडियन ऑफ द क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट वी अज्यूम दैट, एग्जाम्पल देते हैं, डिफरेंट क्लासेस, क्लास आर गिवन, क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। एक मीडियन का फायदा ये है कि व्हेन क्लासेस आर ऑफ ओपन एंडेड भी हो, पहला एंड लास्ट क्लास अगर पता भी ना हो कि क्या है, मतलब लेस देन एंड मोर देन टाइप का हो, शुरुआत होती हो लेस देन 10 से और एंड होता हो मोर देन, यहां पे अगर एक लिख दे और मोर देन 30, ये ओपन एंडेड हुआ, तो भी हम मीडियन ढूंढ सकते हैं। सपोज एफ आई आर 5, 7, 3 and 5, तो यहाँ पे एक सी एफ आई का कॉलम बना दे, जरूरी है 5, 12, 15 and 20। अच्छा, यहाँ पे मीडियन ढूंढना है अगर, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन? टू फाइंड आउट मीडियन द फॉर्मूला इज एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू सी। तो यहाँ पहले एम कैसे ढूंढेंगे, एम इज इक्वल टू एन बाय टू ऑब्जर्वेशन, एन है 20, तो 20 बाय टू ऑब्जर्वेशन, दैट इज 10th ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो इन दोनों के बीच में है, 5 एंड 12 के बीच में, मतलब जो कम है वो नहीं लेने का, जो ज्यादा है उस क्लास के सामने वाला, उस फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास, मतलब 10 to 20, उसकी लोअर लिमिट है L, तो L है 10। यहां पे अच्छे से समझना, प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कैपिटल F, तो कैपिटल F है 5, n बाय टू तो यहां पे है 10 माइनस 5 अपॉन स्मॉल f जो है वो सामने उसकी फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास का हम ढूंढ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय 7 इंटू सी इज 10। बाय सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट द आंसर, दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोड एंड मीडियन फॉर एनी डेटा, वेदर दे आर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वन। अच्छा, हमने बात की ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक बात याद रखनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए विच मेजर इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, तो आंसर आएगा मीन। मीन जो है ना वो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत अफेक्टेड होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, मीडियन पे कम होती है और मोड पे बहुत कम होती है इफेक्ट। दूसरी एक बात पूछी जाए कि मीन मीडियन एंड मोड आर सेम देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में देखा मीन मीडियन एंड मोड आर सेम देन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। अगर वो सेम नहीं है, तीनों में डिफरेंस है, देन इट इज नोन एज क्यू सिमेट्रिक, वो हमने देख लिया आगे डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त। अभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देखे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो सबसे पहले बात करें एकदम बेसिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज रेंज। रेंज क्या होता है, तो हमारे डेटा की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है एंड लोएस्ट वैल्यू होती है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसे बोलते हैं रेंज। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर डेटा इज नोन एज रेंज। दूसरी बात अगर करें तो अपना होता है क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज मतलब Q3 माइनस Q1, थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल सब्ट्रैक्ट करें। कभी कभार क्या होता है कि वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द पोजिशनल वैल्यू, बीच में 50% ऑब्जर्वेशन कौन से है, तो उस वक्त क्वार्टाइल रेंज इज बेटर, विल गिव अस बेटर आइडिया ऑफ द मिडिल 50% ऑब्जर्वेशन। देन देर इज मीन डेविएशन, मीन डेविएशन MD, और इसका जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, फॉर अनग्रुप डेटा इट इज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, और फॉर ग्रुप डेटा मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज
एक्स आई माइनस एक्स बार एफ आई मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी सिग्मा एफ आई। यहां से यहां पे अच्छे से देख ले, वैसे यही फॉर्मूला है बट ऊपर भी एफ आई मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी एफ आई से मल्टीप्लाई किया है हमने। सो दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन डिविएशंस। देन इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन, देखो अगर बोला जाए, अगर पूछा जाए विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन इट इज मीन। सिमिलरली द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डिविएशन। सबसे बेस्ट मेजर जो है डिस्पर्जन की वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। इट इज ऑल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट है ये सबसे बेहतर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन फॉर अनग्रुप डेटा और फॉर ग्रुप डेटा सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। एक बात हमें यहाँ पे ध्यान में लेनी है कि वेन सैंपल इज गिवेन तो यहाँ पे एन माइनस वन लिखा जाएगा, यहाँ पे भी सिग्मा एफ आई माइनस वन लिखा जाएगा। सैंपल हो तब, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना हो तब। अभी ये जो सब है वो कैसी है, वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। कैसी? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसको सेकेंड ऑर्डर एवरेजेस भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ऑर्डर एवरेजेस। अभी सम टाइम फॉर कंपेरिजन ऑफ टू और मोर डेटा वी कांट यूज दिस डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड नहीं यूज किए जाते। देन फॉर कंपेरिजन ऑफ टू और मोर डेटा वी यूज द रिलेटिव मेजर ऑफ डेविएशन। ये सब एब्सोल्यूट है तो रिलेटिव जो है, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डेविएशंस, तो फर्स्ट अगर हम बात करें दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो इसका जो होगा अपना फॉर्मूला वो होगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इनटू 100। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर दो डेटा के कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ढूंढ ले और उसका कंपैरिजन किया जाए तो हमें पता लगेगा कौन सा डेटा मोर रिलायबल है, जिसका वेरिएशन कम वो ज्यादा रिलायबल। रिलायबिलिटी का डेफिनेशन ये है कि इफ द डेटा इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट देन इट इज मोर रिलायबल। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्यूडी एंड दैट इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन इन टू 100। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन MD and that is equal to mean deviation divided by mean into 100. And most important and most reliable among all relative measure of dispersion, that is coefficient of variation, coefficient of variation, it is also known as CV, और उसका formula है sigma upon x bar into 100. Why this is the best measure? इसका reason है because इसमें जो दोनों measures use होते हैं, here there is sigma, sigma is best measure of absolute deviation and x bar is best measure of सेंट्रल टेंडेंसी, तो दोनों बेस्ट मेजर यूज किए तो उससे जो बनेगा रिलेटिव मेजर वो भी बेस्ट होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस इज बेस्ट मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन, दैट वी हैव टू रिमेम्बर। तो अगर हमें ये पूछा जाए टू रिलेट, इफ वी वॉन्ट टू कंपेयर टू रिलेटिव टाइम सीरीज देन विच मेजर इज यूज, देन वी हैव टू यूज द
रिलेटिव मेजर ऑफ डेविएशन, अगर खाली डिस्पर्जन ढूंढना है, खाली वेरिएशन ढूंढना है अमोंग द सीरीज, देन एब्सोल्यूट डेविएशन इज ऑल्सो इनफ. बट अगर कंपेरिजन करना है तो डेविएशन भी ध्यान में लेना पड़ेगा एंड मीन भी, एवरेज भी ध्यान में लेना पड़ेगा. ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का रेशियो करके हमें ढूंढना पड़ेगा. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस इज बेस्ट मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन, दैट वी हैव टू रिमेंबर. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बोथ. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट मेजर्स ऑफ पोजिशनल वैल्यूज. तो पोजिशनल वैल्यूज जो है वो तीन हमें ढूंढना देखना है. एक होता है क्वार्टाइल्स, एक होता है डेसाइल्स एंड एक होता है परसेंटाइल्स. इसके बारे में हम फॉर्मूलास लिख दे पहले, तो फिर मैं आपको बताता हूं व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस. क्वार्टाइल्स में इंडिविजुअल डेटा हो अगर, फिर डिस्क्रीट हो एंड कंटिन्यूअस हो, तो क्वार्टाइल की फॉर्मूला क्या होती है? मीडियन जैसे ढूंढते हैं ना, वैसे ही क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल ढूंढते हैं, बिकॉज दिस आर ऑल्सो पोजिशनल वैल्यूज. क्वार्टाइल जो है उसकी जनरल फॉर्मूला है QI is equal to IN plus 1 by 4th observation. क्योंकि क्वार्टाइल जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन के चार इक्वल पार्ट्स करता है, तो डिवाइडेड बाय 4 लिखना पड़ेगा. यहाँ पे वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4. देन डेसाइल्स में, डेसाइल्स DI से डिनोट होता है, इट्स IN plus 1 by 10th observation. टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, टोटल 10 पार्ट्स होते हैं. एंड परसेंटाइल में द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, सो आई एन प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन. बट ये तीनों में, ये तीनों के लिए कॉमन लिखता हूं फॉर इंडिविजुअल आफ्टर अरेंजिंग डेटा, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा. पहले डेटा को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ये किया जाता है. फिर डिस्क्रीट डेटा अगर हो तो बात यही की यही रहेगी, खाली स्मॉल एन की जगह पे दिखाने के लिए हम कैपिटल एन प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग CFI column, CFI table, CFI मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाने के बाद. यहां पे DI is equal to I into capital N plus 1 by 10th observation after doing the same. PI is equal to I n plus 1 by 100th observation after constructing the CFI. ये जो है ये यहां पे भी ये अप्लाई करना है और यहां पे भी ये अप्लाई करना है आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग. सिमिलरली यहां पे जो अरेंजमेंट है ये दोनों में अप्लाई करना है. देन लास्ट थिंग विच इज द फॉर्मूलाज फॉर क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल फॉर कंटिन्यूअस डेटा. QI is equal to L plus IN by 4, जो मीडियन का है वही है यहां पे, बट मीडियन पे यहां पे दो होता है बिकॉज मीडियन इज एट मिडल, दो पार्ट करता है. यहां पे क्वार्टाइल जो है ना वो चार पार्ट करता है, तो डिवाइडेड बाय 4. I का मतलब क्या है? अगर इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट क्यू वन तो I की जगह पे रखना है 1, अगर हमें फाइंड आउट करना है क्यू टू तो I की जगह पे रखना है 2, अगर हमें फाइंड आउट करना है क्यू थ्री तो I की जगह पे रखना है 3. माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू सी इंटू सी, दिस इज द फॉर्मूला. इसमें भी आफ्टर अरेंजिंग द CFI टेबल, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द CFI टेबल, फिर डेसाइल्स के लिए जो फॉर्मूला है अपने पास, DI इज इक्वल टू L प्लस I N बाय 10 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू सी
एंड पी आई के लिए जो फॉर्मूला है एल प्लस आई एन बाय 100, क्योंकि यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं, स्मॉल एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ इंटू सी, सी मीन्स क्लास लेंथ। एक बात हमें इसके बारे में याद रखनी है कि क्वार्टाइल्स कितने होते हैं। तो देखो, एक ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो, इफ वी कंस्ट्रक्ट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वार्टाइल मतलब इट डिवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। तो चार पार्ट करने के लिए तीन पॉइंट्स चाहिए, 1, 2 एंड 3, Q1, Q2 एंड Q3। सो देर आर थ्री क्वार्टाइल्स, तीन होते हैं क्वार्टाइल्स। सिमिलरली 10 इक्वल पार्ट करने के लिए देर आर 9 डेसाइल्स एंड 100 इक्वल पार्ट करने के लिए 99 परसेंटाइल्स। देर आर 99 परसेंटाइल्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। अच्छा, एक दूसरी बात याद रखनी है कि क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल इन तीनों को मीडियन के साथ जोड़ा जाता है। सेकेंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू फिफ्थ डेसाइल इज इक्वल टू 50th परसेंटाइल एंड ऑल इज इक्वल टू मीडियन। दिस वी हैव टू रिमेंबर। सेकेंड क्वार्टाइल जो है वो फिफ्थ डेसाइल के जितना होता है, फिफ्थ डेसाइल 50वें परसेंटाइल के जितना होता है, 50वां परसेंटाइल मीडियन के जितना होता है, ऑल आर सेम। सो वी हैव टू रिमेंबर अप टू दिस। और इसके ऊपर से बहुत सारे हमारे MCQs हैं, थियोरिटिकल भी और न्यूमेरिकल्स भी है। वी विल स्टार्ट नाउ क्लास वर्क 1 ऑफ दिस चैप्टर।